ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के अनुराधा नक्षत्र के बारे में। क्योंकि कोई भी राशि 2.25 नक्षत्र से मिलकर बनती है, तो चूँकि वृश्चिक राशि भी 2.25 नक्षत्र से मिलकर बनी हुई है, जिसमें इसका सबसे मुख्य नक्षत्र होता है अनुराधा। अनुराधा का अर्थ होता है सफलता। तो आज हम बात करने वाले हैं अनुराधा नक्षत्र की महिलाओं के विषय में। अनुराधा नक्षत्र की महिलाएं कैसी होती हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा कैसा होता है, इनका पारिवारिक जीवन कैसा होता है, साथ ही साथ इनका शरीर में रोग क्या होते हैं और भविष्य में ये कहाँ तक सफलता प्राप्त करती हैं। चूँकि हम आगे चल के पुरुषों के भी विषय में अनुराधा नक्षत्र का एक अलग से आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा, अभी आज हम महिलाओं के विषय में बताने जा रहे हैं। अनुराधा नक्षत्र की महिलाएं दिखने में बहुत सुंदर, बहुत मासूम चेहरा होता है और ये बहुत आकर्षक होती हैं। अगर ये कोई बिना मेकअप करके भी कहीं भी रहें तो भी पुरुषों को बहुत आसानी से आकर्षित कर लेती हैं। इनका मिलावटीपन यानी कि ये लोग छल कपट से बहुत दूर रहने वाली हैं। आकाश मंडल में आप देखेंगे तो कुछ लोग 3 तारों को अनुराधा नक्षत्र मानते हैं, जबकि कुछ ऋषि मुनियों ने 4 तारों का समूह को अनुराधा नक्षत्र माना है। क्योंकि अनुराधा नक्षत्र की महिलाएं शुरू से ही मेधावी होती हैं। अब इनका चूँकि बचपना जो है बहुत संघर्षपूर्ण होता है, ये जीवन में हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का प्रयास करती हैं। क्योंकि शुरू शुरू में इनको शुरुआती दौर में कुछ आर्थिक कष्ट होता है या कुछ पारिवारिक तनाव रहता है, लेकिन इनके बावजूद भी इनको सफलता प्राप्त करने की एक इच्छा रहती है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि अनुराधा का अर्थ ही होता है सफलता। ये लोग हमेशा कार्य में अगर फेल भी हो गई तो फिर प्रयास करेंगी, फिर असफलता मिली फिर प्रयास करेंगी, और ये जब तक अपनी सफलता प्राप्त नहीं कर लेंगी तब तक ये शांति से बैठने वाली नहीं है। अब हम विस्तार से इनके विषय में बताते हैं। क्योंकि ऐसी महिलाएं, अगर इनकी आप लंबाई देखेंगे तो ये थोड़ी लंबी या मध्यम कद की होती हैं। इनका पारिवारिक जीवन, अब चूँकि इनको भाइयों का सुख कम होता है, अगर उल्टे अगर भाई हैं तो ये अपने भाइयों को सहयोग देती हैं, वो आपको आगे बताएंगे। इनका धन भाव कुटुंब भाव आदि, क्योंकि ये अपने परिवार में अपने कुटुंब में हर लोगों की सेवा करने की इच्छा रखती हैं और सेवा करती भी हैं। ये अपने प्रेम पूर्ण मधुर व्यवहार से अपने परिवार के सभी लोगों की लाडली दुलारी होती हैं। पढ़ाई लिखाई में देखा जाए तो चूँकि इनका परिवार वाले इनको अच्छा सहयोग देते हैं, लेकिन ये 17-18 साल से, वैसे तो ये बचपन से कुछ ना कुछ धन बचाती रहती हैं। आप देखेंगे कि इनके पास परिवार के किसी सदस्य के पास अगर धन नहीं है तो भी इनके पास धन रहता है। जैसे बचपन से गुल्लक रखेंगी, पैसे को संभाल के रखेंगी। कुछ लड़कियां तो ऐसी होती हैं कि अपने पैसे को किताब में कॉपी में छुपा के रखती हैं या अपनी माँ को देकर सहेज रखती हैं। भाई पराक्रम स्थान, अब चूंकि मैंने आपको बताया कि भाई के मामले में ये उतनी भाग्यशाली नहीं मानी जाती हैं। भाई अगर होता है तो भाई इनको सहयोग करने के बजाय उल्टे ये अपने भाई को बहुत सहयोग करती हैं।
उसका रहन सहन खान पान पढ़ाई लिखाई से लेकर नौकरी चाकरी जब यहाँ तक कि बाद में भी उसके शादी विवाह के बाद भी ये उनका पूरा ध्यान रखती हैं और भाई भी इनकी बात को मानता है सम्मान करता है, इसलिए भाई बहनों का अच्छा प्रेम रहता है, इनमें किसी तरह के विवाद नहीं होते हैं। माता मित्र मकान सुख। अब चूंकि हमने आपको बताया कि ऐसी लड़कियां छल कपट से दूर रहती हैं, इनके जीवन में ये सत्यवादी होती हैं, इसलिए इनके मित्र अस्थाई रूप से ज़्यादा टिकते नहीं हैं, क्योंकि सत्य कड़वा होता है और ये सत्य को बोल ही देती हैं, ये कभी छुपाती नहीं हैं। दूसरा, निडर होती हैं, डर इनके अंदर होता नहीं है, इसलिए ये देखा जाता है कि ऐसी लड़कियां बचपन से लेकर के और अंत तक जो भी मित्र मिलते हैं, इनके मित्र अगर इनसे अस्थाई रूप से इनकी सहेलियां मित्र रुक गए तो आप ये मानिए कि वो भी बिल्कुल निश्चल होगा, उसके अंदर भी द्वेष ईर्ष्या आदि नहीं होगा, तो ही इनके साथ उनकी अच्छी दोस्ती चलती है। अपनी ये माता का विशेष ध्यान रखती हैं और अपनी माँ की ये लाडली होती हैं, माँ भी इनको विशेष ध्यान रखती है, पढ़ाई लिखाई से लेके और काफ़ी समय तक माँ से सलाह मशवरा करती रहती हैं। आप एक प्रकार से ये मानिए कि ये माँ बेटी का रिश्ता तो होता ही है, लेकिन आगे चल के ये एक दोनों एक सहेली जैसी व्यवहार रखती हैं, कोई भी बात होगा गुप्त बात भी होगा ये अपनी माँ को अवश्य बताएंगी। शिक्षा संतान। अब चूंकि पंचम भाव इनका शिक्षा संतान से देखा जाता है, तो ऐसी लड़कियों को मैंने आपको बताया कि ये पढ़ाई लिखाई में ज़्यादातर ये डॉक्टर वगैरह के क्षेत्र में इनकी रुचि होती है, इस क्षेत्र में ये जाती हैं। वैसे तो ये खेल कूद में भी बहुत महारत होती हैं, अगर ये खेल कूद आदि क्षेत्र में गईं तो उसमें बहुत सफलता प्राप्त करती हैं। इसके अलावा यह एक्टिंग टीवी या कोई भी ऐसा कार्य करती हैं तो उसमें इनको प्रसिद्धि जल्दी मिलती है, ये जो भी काम करेंगी बहुत एकाग्र बुद्धि से उसको सीखेंगी और कुछ भगवान की कृपा भी है। अब आपको मैंने बताया राधा नक्षत्र का एक अर्थ छाता भी होता है, तो ये जहाँ भी रहेंगी छाया बन के रहेंगी। अपने बच्चों को चूँकि ये इतना आगे बढ़ाना चाहती हैं, इतना मेधावी बनाना चाहती हैं कि जो बचपन में इनको कष्ट तकलीफ आर्थिक आदि का हुआ है वो इनके बच्चों के ऊपर साया भी ना आने पावे, इसलिए बच्चों का बहुत ध्यान पूर्वक ये ध्यान रखती हैं। पढ़ाई लिखाई में उनको पूरा, यानी कि बच्चे स्कूल से आए नहीं कि उनको क्या होमवर्क करना है क्या नहीं करना है, सब पूरा इनके दिमाग में क्या क्या काम पूरा हुआ, स्कूल जाते से समय क्या रह गया, बिल्कुल बच्चों से ज़्यादा बेचैनी इनको रहती है, इसीलिए ये अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दिलाती हैं। इनके बच्चे भी जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में वो सफल होते हैं। रोग शत्रु कर्जा। अब मैंने आपको बताया कि चूंकि ये ईमानदार होती हैं, हाँ ये है कि इनको अगर कोई धोखा फरेब आदि करे तो ये उसको बख्शने वाली नहीं रहती हैं, उस बात को ये बहुत ध्यान से रखती हैं और जब समय आएगा तो बदला ज़रूर लेंगी। इसी कारण से इनके साथ अगर किसी ने धोखाधड़ी नहीं किया है तो ये किसी को धोखाधड़ी नहीं करती हैं। हाँ यह है कि इनकी सहेलियाँ जो होती हैं वो बहुत अधिक नहीं होती हैं, लेकिन जो होती हैं वो विशेषकर, अब ये चूँकि हर जगह पे लीडर बन के रहेंगी, कहीं भी किसी का चापलूसी करना तो इनको आता ही नहीं है, इसके कारण भी इनके गुप्त शत्रु ज़्यादा बन जाते हैं, इसलिए इन लोगों को अपने गुप्त शत्रु के, वैसे ही अपने गुप्त शत्रु या शत्रु का कभी परवाह नहीं करती हैं, ये अपने काम से मतलब रखती हैं। सप्तम। अब चूंकि पारिवारिक जीवन जो होता है तो इनका समय से
शादी हो जाती है, 20-22 तक ऐसी लड़कियों की शादी हो जाती है। ये पति परमेश्वर जैसी स्त्री होती हैं और अपने पति के प्रति पूर्ण वफादार होती हैं। ये अपने पति को बहुत प्रेम करती हैं और इनका पति भी इनको पूर्ण रूप से प्रेम करता है। दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध रहते हैं और यह संबंध अंतिम समय तक चलता है। अब चूंकि इनके कभी कभी मैंने आपको बताया कि इनके जीवन में कुछ शंका समाधान हो जाता है, तो कभी कभी ये अपनी पतियों का परीक्षा लेना ज़रूर जानती हैं, लेकिन यह है कि वो एक हंसी मजाक की तरह रहता है। यह अपने पति पर जिस प्रकार पूर्ण विश्वास करती हैं, ऐसे ही पूर्ण विश्वास इनका पति भी इनके ऊपर करता है। इसलिए दोनों के बीच में तनाव ना के बराबर रहता है। अब छोटा मोटा हर घर में खिटपिट होती रहती है, लेकिन इसका इनके जीवन के ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। अष्टम घर, अब चूंकि आठवां घर मृत्यु स्थान, प्राइवेट पार्ट और एक्सीडेंट का घर होता है, तो ऐसी स्त्रियों को ज़्यादातर मासिक धर्म का समय बराबर नहीं होता है, जिसके कारण कभी कभी इनको रक्तस्राव अधिक हो जाता है। इससे इनको शारीरिक कमजोरी रहती है, सर्दी खांसी बुखार तो आम बात है। इनको ये बीमारी अक्सर करके छोटा मोटा मौसम विपरीत हुआ तो ये बीमारियां इनको आ सकती हैं। इसलिए चूंकि ये खान पान पर अपने ध्यान नहीं देती हैं, हमेशा अपने परिवार को खिलाओ, पति को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, इनका लेकिन खुद के प्रति पौष्टिक चीज़ें खाना चाहिए। किसी ने बता दिया, डॉक्टर ने भी बताया, हाँ ठीक है कुछ दिन खाएंगी पति के दबाव में, फिर छोड़ देंगी। तो ऐसे लोगों को अपने खान पान पर ध्यान रखना चाहिए, अपने शरीर के प्रति लापरवाही नहीं करना चाहिए। धार्मिक, अब चूँकि ये ऐसी स्त्रियां धर्म की बहुत गूढ़ मान्यता रखती हैं, बचपन से ये धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं और धर्म के प्रति इनकी पूर्ण आस्था होती है, परंतु ये अंधविश्वास की घोर विरोधी होती हैं। इनको टोना टटका भूत आदि का कोई विश्वास भी नहीं होता है और ये सबसे ज़्यादा विरोध बढ़ चढ़कर करती हैं। ऐसी स्त्रियां भगवान के प्रति बहुत आस्थावान होती हैं और हमेशा पूजा पाठ में अपने बच्चों का, अपने पति का, अपने सास ससुर का आदि का हमेशा कुछ ना कुछ उनसे वरदान मांगती रहती हैं, अपने लिए नहीं मांगेंगी। लेकिन चूंकि भगवान की कृपा भी इनके ऊपर अच्छी खासी रहती है, इसलिए ऐसी स्त्रियां अपने जीवन में भाग्यवान होती हैं। बचपन का जो दुख तकलीफ इनको संघर्ष झेलना पड़ता है, वो आगे चल के इनका जीवन बहुत सुखमय होता है। विशेषकर ये देखा जाए कि इनका जो संघर्ष का जीवन है वो 18 से लेकर 30 साल तक ज़्यादा रहता है। इसके बाद धीरे धीरे इनका संघर्ष समाप्त होकर और इनका सुखमय जीवन शुरू हो जाता है, यानी कि कहा जाए कि 30-35 के बाद इनका भाग्योदय होने लगता है और आगे चल के ये अच्छे सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रहती हैं। कर्म स्थान, अब चूंकि कर्म स्थान, पिता स्थान, ससुर स्थान के मामले में ऐसी स्त्रियां एक नंबर की गृहिणी होती हैं। ये हमेशा अपने सास ससुर की सेवा करती हैं, हमेशा उनकी प्रशंसा की पात्र बनती हैं और कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि इनके पति से ज़्यादा प्रशंसा इनकी होती है। ये अपने परिवार के प्रति, सास ससुर के प्रति बहुत वफादार होती हैं, बहुत ईमानदारी से उनका सेवा भाव करती हैं। यही इनका जो निश्चल व्यवहार है, ये एक अति उत्तम गृहिणी की श्रेणी में आती हैं। और जो भी, अब क्योंकि इनका नौकरी चाकरी का देखा जाए तो नौकरी चाकरी के मामले में ये अड़िवल होती हैं, नौकरी समय से इनको मिल जाता है और ये अपने अधिकारियों को भी, अब चूंकि इनके अंदर एक कला ये भी होती है कि अधिकारियों को किस तरह से मीठी मीठी प्रशंसा करके खुश रखा जाए, ये इनके अंदर होती है। कारण क्या है कि नौकरी चाकरी के मामले में अधिकारी लोग इनकी बहुत प्रशंसा करते हैं, तो ये भी उनकी मीठी मीठी बातों में
मीठी मीठी बातें बोलती रहती हैं। इस कारण जिस दिन ये बाई चांस ऑफिस ना जाएं या अपने कार्यालय, तो बिल्कुल सूना सूना सा लगता है। ये देखा जाएगा कि ये जहाँ भी रहती हैं हर लोगों का ध्यान रखती हैं। यही कारण है कि अनुराधा नक्षत्र की स्त्रियाँ जहाँ जिस क्षेत्र में, अगर राजनीति क्षेत्र में जाएं तो राजनीति में भी बड़ी जल्दी ऊपर जाती हैं। अब ये ज़्यादातर डॉक्टर होती हैं, मेडिकल लाइन होती है, या मेडिकल से संबंधित कोई भी शोध स्थान में ये बहुत अग्रणी होती हैं। इसके अलावा भी ये कलाकार होती हैं, नृत्य संगीत भी में बहुत अच्छा इनका शौक भी होता है, और अगर ये इस क्षेत्र में जाती हैं तो कला के क्षेत्र में इनको बड़ी जल्दी सफलता मिलती है। लेखन क्षेत्र में, अगर ये लेखन क्षेत्र में गई तो बिल्कुल निडर होती हैं। कोई भी मामला होगा, अगर ये राइटर हैं, रिपोर्टर हैं, तो बिल्कुल निर्भीक होकर रिपोर्टिंग करेंगी, और वो भले कुछ समय के लिए परेशानी पैदा करें लेकिन आगे चल के इनकी प्रशंसा के लोग पुल बांध देते हैं। इस तरह ये खुद तो निडर होती ही हैं, अपनी टीम की पूरी टीम को भी निडर बनाती हैं और उनका अगुआ रहकर रहती हैं, नेता बनकर उनका काम करती हैं, और सब लोग इनके साथ रहकर बहुत प्रसन्न रहते हैं। लाभ स्थान, अब चूंकि मैंने बताया कि ऐसी महिलाएं लाभ के लिए, यानी कुछ ना कुछ ये धन अपना बचपन से ही बचाती रहती हैं, लाभ के प्रति ये सचेत रहती हैं, लेकिन गलत तरीके का धन इनको कदापि पसंद नहीं होता है। ये मेहनत और ईमानदारी से प्राप्त किया हुआ धन पा लेती हैं, उसको अच्छा सुरक्षित रखती भी हैं, और यही थोड़ा थोड़ा धन इनको आगे चल के एक बहुत बड़ी पूंजीवाद हो जाती हैं। अच्छी खासी पूंजी इनके पास रहती है, जिसका ये अधिक मात्रा में अपने संतानों पे खर्च करती हैं। खुद पे तो बिल्कुल ना के बराबर है, नाम मात्र है, लेकिन यह है कि अपने संतान के प्रति और पति को, तो पति का तो खैर धन से लेने देने की कोई ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, लेकिन संतान को कोई चीज़ की कमी नहीं आने देती हैं। खर्च स्थान, अब चूंकि इनका यात्रा खर्चा के विषय में देखा जाए तो ऐसी स्त्रियां, वैसे तो धार्मिक तीर्थ यात्रा में इनको आने जाने का बड़ा शौक होता है, लेकिन विशेषकर ये अपने बच्चों को घुमाने, अच्छी जगह पे ले जाना, नई जगह पे ले जाना, नई जानकारी दिलाना, इस मामले में ये शौक से ज़्यादा अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। इसलिए अपने बच्चे, पति के साथ, सास ससुर, पूरे परिवार के साथ ये कहीं ना कहीं तीर्थयात्रा करती रहती हैं, या वैसे भी पर्यटन स्थल, मनोरंजक स्थल पे जाती रहती हैं। विशेषकर ऐतिहासिक स्थलों पे ऐसी स्त्रियां जाना ज़्यादा पसंद करती हैं, और उसके बारे में इनको अच्छा ज्ञान भी होता है। वो ज्ञान ये अपने बच्चों को भी शेयर करती हैं, उनको भी अच्छी तरह जानकारी देती हैं, और साथ ही साथ ये भी देखा जाए कि खर्च के मामले में, तो मैंने आपको बताया कि ये अपने ऊपर खर्च अधिक बिल्कुल नहीं करती हैं, लेकिन अपने परिवार, सास ससुर, बच्चों के प्रति ये लापरवाही नहीं करती हैं। ये खुद भूखी रह जाएंगी, लेकिन अपने बच्चे, अपने सास ससुर आदि की सेवा में कोई कमी नहीं रखती हैं। इसी कारण कहा गया है कि अगर अनुराधा नक्षत्र की स्त्रियां जिसके घर में भाग्य से आ जाती हैं, तो वो घर अगर गरीबी दुर्दशा से घिरा हुआ है तो बहुत जल्दी उस घर में अमीरी, सुख शांति और पारिवारिक संतोष का जन्म होता है, और यह लंबे समय तक बना रहता है। जब तक ये अंत तक जीवित रहती हैं, अपने परिवार के प्रति हमेशा और पति के प्रति वफादार रहती हैं, इसीलिए इनको अपने बच्चों का भी सुख प्राप्त होता है, पति का भी सुख प्राप्त होता है, साथ ही साथ इनके अन्य रिश्तेदार भी इनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो मैंने आज आप लोगों को अनुराधा नक्षत्र के महिलाओं के विषय में बताया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये ज़रूर वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइबर करना और लाइक करना मत भूलिए।